आप देख रहे हैं वायरल झारसुगड़ा। हम आपके बीच मौजूद हुए हैं आज की कुछ ताजा खबरों को लेके। अब नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पे। झारसुगड़ा में कोरोना ने किया 200 की संख्या को पार। झारसुगड़ा में बीते 24 घंटे में 24 कोरोना पॉजिटिव के मामले देखने को मिले, जिसमें से झारसुगड़ा ब्रिजाजनगर और बेलपहाड़ म्यूनसिपालिटी के कुछ केसेस और लैकरा लखनपुर और झारसुगड़ा ब्लॉक के भी कुछ केसेस थे। इसके साथ ही साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 207 तक और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 163, अभी भी एक्टिव केस 44। आज झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगहों से कंटेनमेंट जोन को हटाया गया। एक किरामारा सुंदरमाला लखनपुर, LPHD हाई स्कूल ऐटापाली लैकरा, ई पीट ब्रिजाजनगर। झारसुगड़ा में थर्ड वीकेंड शटडाउन कल से होगी। जरूरत ना होने पे घरों से बाहर ना निकले। DM झारसुगड़ा द्वारा आशा कर्मियों को मिला सम्मान। इस कोरोना के समय पे हर घर जाके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी संग्रह करने के लिए हमारे लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और हमें भी उनका सम्मान और समर्थन देते हुए नियमों के साथ उनकी सहायता करनी चाहिए। कंटेनमेंट जोन के वार्ड नंबर 10 के कुछ लोगों को खाने की दिक्कत हो रही थी। सोशल वर्कर्स पिंटू पाड़ी एंड रोगिना खान द्वारा वेदांता के SRC ऑफिसर मिस्टर सुंदर एंड प्रणय को जानकारी दी गई और उन्होंने खाने के सामान के साथ आके उनकी मदद की। बंदबहाल में बनेगा 70 बेड वाला कोविड हेल्थ केयर सेंटर। आज जिला प्रशासन और MCL के बीच हुआ डील साइन। उड़ीसा में कोरोना दिन प्रतिदिन तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में 718 नए कोरोना के मामले। टोटल पॉजिटिव संख्या पहुंची 16,110 तक और बीते 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से जान भी गई। टोटल मरने वालों की संख्या पहुंची 83 तक। 453 नए कोरोना मरीज ठीक भी हुए और टोटल आंकड़ा पहुंचा 11,330 तक। आज इंडिया में कोरोना ने किया 1 मिलियन का आंकड़ा पार। बीते 24 घंटे में लगभग 35,000 नए कोरोना के मामले सामने आए और 687 लोगों की मौत भी हो गई। टोटल इंडिया में अभी तक पॉजिटिव केसेस 10,03,832, जिनमें से 635,757 मरीज ठीक भी हुए और मरने वालों मरीजों की संख्या पहुंची 25,000 के पार। अभी भी 342,473 मरीज एक्टिव हैं। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वायरल झारसुगड़ा द वन यू ट्रस्ट। और इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब को और हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।